व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सौरभ और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ i10 ग्रेड नियोस का रियर डिफ्यूजर, जो कि BMW का एक और नया प्रोडक्ट है। तो ये देखिए, इस पीस को अभी हम करेंगे बॉक्स ओपन और आपको दिखाएंगे कि ये किस टाइप का पीस जो इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। साथ ही देखिए, ये है आपका अल्फा डिफ्यूजर, यहाँ पे आपको i10 ग्रेड नियोस अल्फा में देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए, इसके साथ ही हमें एथेरियम का प्राइमर और चार सेल्फ स्क्रू मिल जाते हैं। तो ये देखिए, इनका यूज़ क्या है, एक हमको यहाँ, एक यहाँ और दो इस साइड यूज़ करने हैं सेम जगह पर। तो इसको गाड़ी में स्टेशन करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल। इसकी प्रॉपर स्टेशन वीडियो मैंने पहले ही बना के इस कार से चैनल पर डाली हुई है। ये देखिए, ये इसके पीछे थ्रेम पर टेप दिया होता है, इस टेप को आपने करना है रिमूव। रिमूव करने के बाद जो गाड़ी की रियर साइड की सरफेस एरिया है उस पर चिपका देना है। चिपकाने से पहले उसके जो रेड पार्टिकल्स हैं उनको करना है रिमूव। तो ये देखिए, इसके साथ इसकी जो LED है इसको हम 12 वोल्ट के साथ करेंगे कनेक्ट और आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ग्रैंड आइटन न्यूज आपकी गाड़ी में लगने के बाद जो अल्फा में आपको कुछ इस टाइप का दिखने में आएगा नज़र। तो अगर ये आपको हमसे करना है ऑनलाइन परचेस, तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इंस्टाग्राम का लिंक, जाइए वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा क्या इसका प्राइस और ये कैसे कैसे आपके पास तक पहुँचेगी। ये देखिए, ये है आपका i10 ग्रैंड नियोस रियर अल्फा डिफ्यूज़र। इसकी हमने एक प्रॉपर एक्सक्लूसिव वीडियो पहले ही बना के डाली हुई है इस कार से चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही देखिए, ऊपर आई बटन जो आ रहा है इसमें भी आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसकी प्रॉपर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। अगर ये करना है ऑनलाइन परचेज, उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ। तो देखिए, इसको गाड़ी में इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके पीछे जो थ्रेम का टेप दिया होता है उस टेप को आपने करना है रिमूव। रिमूव करने के बाद जो हमने दिया होता है थ्रेम का प्राइमर, उस प्राइमर को आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद इस प्राइमर को फिर इस सर्फेस एरिया में बिठा देना है। तो ये देखिए, ये है जो आपका टेप दिया हुआ है, हमने इस टेप को करना है रिमूव। रिमूव करने के बाद जो सर्फेस एरिया है उसमें आपने बिठा देना है। तो करना अगर ऑनलाइन परचेस, तो जाओ यार नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ पर जाकर हमें मैसेज करना। और गाड़ी में लगने के बाद किस टाइप का नज़र आता है, ये देखिए, गाड़ी में इंस्टॉलेशन करते समय हमने कुछ फोटो क्लिक की हुई थी, तो ये देखिए, ये आपको गाड़ी में लगने के बाद कुछ इस टाइप का आता है नज़र, जो कि आपकी नियोस की प्रॉपर फिटिंग के साथ आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए, इसमें कुछ चेंजिंग जो हमने की हुई है, सिर्फ अल्फ़ा डिफ्यूज़र हो गया ये, अब ये आपको अल्फ़ा में दिखने में आएगा नज़र। तो ये देखिए, ये है आपका ग्रैंड आइटन नियोस का रियर डिफ्यूज़र। करना है ऑनलाइन परचेस, तो हमने आपको प्रोसेस बताया हुआ कि इसको हमसे कैसे कैसे आपने करना है परचेस। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही चैनल को भी करना सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। ये देखिए, ये जो आपका अल्फा डिफ्यूज़र है इसको भी हमने गाड़ी में इंस्टॉल किया हुआ था। तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का आपको लुक देता है गाड़ी में लगने के बाद।